हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आप धार्मिक आदमी है तो आपको पनवेल के श्री शिवधाम का दर्शन एक बार करना चाहिए। रायगढ़ पनवेल से हिंदुस्तान की आवाज के लिए वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई का उपनगर चेंबूर के वरिष्ठ समाज सेवक शिक्षाविद धर्मप्रेमी अवधनारायण ने अपना जीवन शिक्षा को बढ़ावा और धर्म की रक्षा उसके प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने अपने कर्म भूमि चेंबूर में विनोद शुक्ला हाई स्कूल और बीडीएस अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनवाया है, जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। पंचधाम मंदिर में हर दिन भक्तों का मेला लगा रहता है। अपने कर्म भूमि जौनपुर मोगरा बादशाहपुर में भी एक दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला के पनवेल सोमटने गांव रसायनी रोड पर श्री शिव धाम भव्य मंदिर बनवाकर सनातन धर्म की रक्षा और उसके प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पहाड़ों की गोद में बना श्री शिव धाम की जितनी भी तारीफ की जाए कम पड़ सकती है। यहां हर शिवरात्रि पर मेला लगता है। देवों के देव महादेव को जल चढ़ाने के लिए सुबह के 4 बजे से शिव भक्तों की कतार सड़क से मंदिर के दरवाजे तक लग जाती है। लोग सुबह से रात्रि के 1 बजे तक भंडारा का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। अब हम आपको श्री शिव धाम और इसमें रहने वाले देवी देवताओं का दर्शन करा रहे हैं। यह आपसे मेरा दावा है कि अगर आप एक बार श्री शिव धाम का दर्शन कर लिया तो बार बार इसका दर्शन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के पनवेल इलाके में और यहाँ पर बहुत ही एक चर्चित शिव धाम है। तो शिव धाम के अंदर कौन कौन सी मंदिरें हैं, कौन कौन सी यहाँ पर मूर्तियां हैं, हम पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आइए बिना देर किए हम आपको लेके चलते हैं शिव धाम। यहाँ के पुजारी से मिलेंगे और पूरा आपको यहाँ दर्शन और आपको दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शिवधाम की पूरी जानकारी आवाम तक पहुंच सके। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, ये मेन मुख्य द्वार है जिसमें लिखा हुआ है शिवधाम और यहाँ पर स्वागत करती हुई दो मूर्तियां हैं। हम अंदर चलते हैं। अभी हम इसी गेट से आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये मेन मार्ग है, इसकी पूरी हम जानकारी देंगे। देखिए सामने हमें पुजारी जी नजर आ रहे हैं, पुजारी जी से जानेंगे कि पुजारी जी का नाम क्या है और यहाँ पर कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और यहाँ की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, हम पूरी जानकारी लेंगे। देखिए जैसा कि आपने मेन गेट पर देखा है कि दो महिलाएं स्वागत कर रही हैं, उसी तरह यहाँ पर जो है हाथी जी की, गणेश जी की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है और साथ में दरबारी जो है यहाँ पर जो रक्षक है वो दो यहाँ पर मूर्तियां लगी हुई है और सामने मेरे सामने पुजारी जी हैं। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार, हरिओम। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुकेश पांडे। अच्छा, आप यहाँ पर क्या सेवा दे रहे हैं? बस प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ तो जरा आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? स्वागत है हमारे जो है आदरणीय पूजनीय जो है शुक्ला जी के पिताजी माता जी। ये किन की मूर्तियां हैं? ये शुक्ला जी अभत नारायण शुक्ला जी के माता पिता की। अच्छा, क्या नाम था इनका? इनका भगवान देवी शुक्ला। अच्छा, और इनका? ये माता सोनकली देवी शुक्ला। एक मिनट। हाँ
आइए अंदर दर्शन लीजिए। श्री सीताराम जी के राधा कृष्ण के आइए प्रभु जी की भाती है राम जानकी लखनलाल जी की और श्री राधा कृष्ण स्वामी जी की है। आइए श्री राधा कृष्ण महाराज जी आइए श्री बजरंग बली महाराज जी जय संकट मोचन दर्शन लीजिए। जय जय बजरंग बली महाबली संकट मोचन कृपा निधान जय। हाथ में क्या है? एक पर्वत है ना। कौन सा पर्वत है? ये द्रोणागिरी पर्वत से वो ले आई थी ना जड़ी संजीवनी। हाँ संजीवनी। आइए ये बाबा साईं राम महाराज जी हैं दिल्ली वाले साईं बाबा जी पधारे हैं। चलिए माता हमारी बिंदवासिनी माता जी हैं मिर्जापुर यूपी से। एक मिनट ये भोले बाबा जी हैं शंकर भगवान ये काबू है बछड़े हैं। आइए इधर भी है काबू। ये हमारे आइए ये इनके बारे में नहीं बताया महाराज है? ये दो देवियां कौन है? ये दोनों सखियां हैं। अच्छा जी ये हमारी दोनों जो है सखियां हैं आगे द्वारपाल और ये बीच में सखियां। अच्छा ये हमारा गृह गृह है गर्भ गृह है आंगनी। आइए ये आइए हमारी माता है मतलब अगर आपको मिर्जापुर नहीं जा पा रहे हो तो दिल पर आप आकर दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिल से प्रेम से जो है श्रद्धा भक्ति के साथ जो वहां नहीं पहुंच पाते तो यही दर्शन लेते हैं जी। आइए हमारे भोलेनाथ जी हैं कैलाश पर्वत ये माता की विंध्याचल मिर्जापुर नाम प्लेट है माता देवी जी का। आइए एक कैलाश पति है भोलेनाथ जी माता पार्वती गौरी को दिल्ली। आइए भोलेनाथ जी के दर्शन लीजिए। जय बाबा काशी विश्वनाथ। गणेश भगवान के दर्शन लीजिए। जय गौरी पुत्र गजानन अष्ट विनायक नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः दर्शन लीजिए। तो महाराज जैसा कि शिव धाम में जी कितने देवी और देवताओं की प्रतिमा है? अब राधा कृष्ण स्वामी की है राम जानकी की है साईं बाबा जी की है वीर बजरंग बली की है
माता मिर्जापुर बिंदवासिनी माता जी की है, कैलाश पर्वत है, शिव शंकर भगवान है, गौरी पुत्र गणेश भगवान जी पधारे हैं, सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। मतलब एक ही स्थान पर आकर वो शंकर भगवान के भी दर्शन कर सकता है, सब सब गणेश जी की भी और साथ में साईं बाबा के भी। जी जी। तो आज जो गणेश उत्सव मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गणेश भगवान के तो बहुत अच्छे भव्य उत्सव मनाते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राम का जो मेला होता है जी, यह भक्तगण कब कब आना चाहिए विशेष तौर पे? विशेष तौर पर महाशिवरात्रि पर्व पे बहुत भीड़ होती है। हमारे शुक्ला जी की तरफ से पूरा दिन भर भंडारा रहता है, खाना पीना का आयोजन रहता है, फास्ट वालों का अलग रहेगा, बाकी भंडारा सुबह 8 बजे से लेके और 10-10:30 बजे रात तक भरपूर रहता है और बहुत पब्लिक बहुत जनता आती है। सर पुजारी जी, हमने ये देखा है कि जब डॉक्टर फेल हो जाते हैं जी, तो डॉक्टर भी कहता है कि अब तो इसे भगवान ही बचा सकता है जी। तो यहाँ पर किस किस तरह के मरीज और किस किस तरह के लोग आते हैं जो यहाँ पे मन्नत मानते हैं और अच्छे होके जाते हैं? यहाँ पे भक्त जी हर प्रकार के भक्त लोग आते हैं, किसी को संतान नहीं होती है, भगवान से विनती करते हैं उनको संतान मिलती है, और जो पढ़ाई लिखाई के स्तर पे रहते हैं उनको थोड़ा बुद्धि कम रहती है तो प्रभु जी उनको बुद्धि का भी प्रदान कर देते हैं। कोई ऐसे बीमारी हारी वाले रहते भी हैं जो कि डॉक्टर लोग मना कर देते हैं, वो भी उनके चरणों तक से उनकी चरणों की कृपा से सब ठीक हो जाते हैं। आप ये बताइए कि शिव धाम की स्थापना किसने की थी? ये हमारे जो पंडित जी हैं, चेम्बूर में भी मंदिर है अब श्री अवध नारायण शुक्ला जी, ये ऐसा मंदिर जो है एक चेम्बूर में है, एक यहाँ है और जी और कालेज भी है, ये सभी जो गौशालाएं हैं हमारे बगल में। शिव धाम में लोग आना चाहें जी तो कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से साधन से आ सकते हैं? ये रायगढ़ जिला पनवेल पास में है, पनवेल जो है जिस वो है तहसील, तो ये पनवेल से 8-9 किलोमीटर दूरी है मेन रोड, ये राजधानी रोड की तरफ जो है कोनगांव से 2 किलोमीटर शिव धाम मंदिर है जी। अभी तक जो भक्तगण यहाँ पर नहीं आए हैं जी, जिनको यहाँ के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश? उनको तो यही संदेश देंगे कि भाई आप देखिए तो एक बार आके, और आने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन से आ सकते हैं और बस चलती है, ऑटो रिक्शा चलती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं।